नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। एटा नया गांव थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल ये मामला नया गांव थाना क्षेत्र के गांव तमरौरा का है, जहां के निवासी 18 वर्षीय लवकुश पुत्र किशन लाल की गोली मारकर ग्राम बिनौरा में हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि हत्या के आरोपी से पहले से विवाद चल रहा था। आज शाम को पहले दोनों पक्षों में मिलकर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी में एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे लवकुश की मौत हो गई, जिसकी सूचना नजदीकी थाना नयागांव पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने मृतक के शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए एटा मुख्यालय भेजा। प्राइम न्यूज 24 के लिए अलीगंज से विकास दुबे की रिपोर्ट। सर, ये नयागांव थाना क्षेत्र में गनशॉट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये जनपद एटा के थाना नयागांव क्षेत्र में एक मामूली विवाद में दो पक्षों में पहले हाथापाई हुई, बाद में एक पक्ष द्वारा फायर आर्म इंजरी से एक लड़के को घायल किया गया, जिसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना नया गांव पे 302 IPC का मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 6 आरोपी हैं वो सभी गिरफ्तार हैं। घटना में जो इनके द्वारा आला कतुल तमंचा इस्तेमाल हुआ था, कारतूस, वो सभी बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था की स्थिति ठीक है।